हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी स्प्लेंडर प्लस में यूनो मिंडा के जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं केटीएम डुक टाइप, तो वो इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले इंडिकेटर को बाहर निकाल के देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पैकिंग आती है, यूनो मिंडा कंपनी की है। रेट की बात करें तो 106 रुपये का एक इंडिकेटर आपको पड़ेगा। ओरिजिनल इंडिकेटर है, जल्दी से टूटने वाला नहीं है। तो बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से पैकिंग आती है। यहाँ पे अपने ये दो इंडिकेटर एक में आते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो मिंडा के हैं तो अच्छी क्वालिटी होगी, और वाकई में अच्छी क्वालिटी है। मैंने जो चेक किया तो अच्छी क्वालिटी है। फ्लेक्सिबल की बात करें तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जल्दी से टूटने वाले नहीं है। और जो अपने आफ्टर मार्केट अदर इंडिकेटर लेते हैं उनसे अच्छी क्वालिटी है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 106 रुपये का सिर्फ एक इंडिकेटर है। तो गाड़ी में फिट करके देखेंगे किस प्रकार से लुक आता है और क्या कुछ किस प्रकार से लगने वाले हैं, किस तरह का कनेक्शन होने वाला है। इसी के साथ में हम एक इंडिकेटर फ्लाशर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि ये मोक्स कंपनी का है और 4-in-1 फ्लाशर है। इस फ्लाशर की खास बात है कि इसमें करीब 17 मोड हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से इंडिकेटर ब्लिंक करने के लिए होते हैं। और कीमत की बात करें तो 250 रुपये करीब इसकी कीमत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले गाड़ी में फिट करके देखते हैं कि किस प्रकार से इंडिकेटर इसमें जलते हैं और कौन कौन से मोड हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी गाड़ी में जो ओरिजिनल इंडिकेटर लगे हुए हैं जो कंपनी से साथ आए हैं, उनको रिमूव करेंगे और ये इंडिकेटर जो है उसमें इंस्टॉल करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इंडिकेटर इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ कनेक्शन की ही बात करेंगे, और लास्ट में फिर हम चेक करेंगे किस प्रकार से इंडिकेटर का लुक आ रहा है, किस प्रकार से ब्लिंक कर रहे हैं। तो फिटिंग हमने कर दिए हैं, जो कि नॉर्मल इंडिकेटर की तरह ही फिट होते हैं। अब कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक ये एक्स्ट्रा स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच जो है मैंने चाबी स्विच से पहले कनेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद में स्विच की जो दूसरी वायर है वो अपने फ्लाशर के रेड कलर के वायर में इस प्रकार से अटैच कर देनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये वायर इस तरह से अटैच करने के बाद में दूसरी इसकी जो वायर है ब्लैक कलर की, वो दोनों इंडिकेटर में से किसी भी एक इंडिकेटर की ब्लैक कलर की वायर के साथ में इस प्रकार से अटैच कर लेनी है। और फिर जो ये 2 पिन का ग्रीन कलर का सॉकेट है इसमें इस प्रकार से लगा देनी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये फिट हो गई अपनी। और दूसरे इंडिकेटर की जो ब्लैक कलर की वायर है वो भी आपको इसके साथ में डबल पिन वाले सॉकेट में इस प्रकार से फिट कर देनी है। तो अब अपने बचते हैं 2 इंडिकेटर के रेड वायर और 2 फ्लाशर के येलो वायर। तो उसमें क्या करना है, अपन को अपनी जो ये इंडिकेटर की वायर है रेड कलर की, इसके साथ में एक फ्लाशर की येलो वायर को इस तरह से अटैच कर लेना है। एंड फिर लेफ्ट राइट देख के अपने है ना, जो ये ऑरेंज कलर का वायर है लेफ्ट साइड वाला जो इंडिकेटर है इसमें अटैच कर देना है इस प्रकार से। अपनी दूसरी जो वायर है वो दूसरे इंडिकेटर के रेड कलर के वायर में उसी तरीके से अटैच कर लेनी है जैसे अपने पहले की थी। इस प्रकार से अटैच करने के बाद में जो अपना इंडिकेटर का ब्लू कलर का वायर है उसके साथ में कुछ इस प्रकार से अटैच कर देनी है। तो कनेक्शन इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। उसके बाद में फिट करके देखते हैं कि किस प्रकार से लुक आ रहा है। गाड़ी के इंडिकेटर बटन से जो हम चालू करते हैं तो उससे ये लेफ्ट राइट वाले इस प्रकार से चालू हो रहे हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। अगर हमको चारों इंडिकेटर एक साथ चलाने हैं तो जो हमने एक्स्ट्रा स्विच लगाया है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। उसको बार बार ऑन करके ऑफ करें तो अलग अलग मोड जो है वो सिलेक्ट होते रहते हैं अपने आप ही। जो मोड आपको अच्छा लगे वहाँ पर ला के आप छोड़ दीजिए। तो लगभग 17 मोड इसमें अलग अलग आते हैं, जितनी बार आप स्विच को ऑफ ऑन करोगे इतनी बार मोड इसके ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे।